पूरी दुनिया का ध्यान लगा रहा भारत के तेजस और राफेल एम पर। इधर भारत पांचवी पीढ़ी या छठी छोड़ो, सातवीं जनरेशन के योद्धा पर काम कर रहा। दुनिया को भारत का प्लान पता लगा तो महाशक्ति देश भी रह गए हैरान। 2024 में भारत वो काम कर देगा जिसमें अब तक बड़े बड़े देश भी हो रहे हैं फेल। दोस्तों, भारत पिछले 10 सालों से सैन्य ताकत को लेकर इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि जितना कभी नहीं रहा। भारत ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिसके बारे में वास्तव में भारत ने कभी सोचा ही नहीं था। खुद दुनिया के बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी हैरान हैं कि जिस तरह से भारत ऐसे हथियार बना रहा है, उसकी तकनीक वो कहां से लेकर आ रहा है, जिसे क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक रोककर अमेरिका के द्वारा भारत को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, वो भारत आज किसी के रोके नहीं रुक रहा। ना अमेरिका से और ना ही चीन से और ना ही किसी तीसरे देश से। भारत वास्तव में ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है और सफल भी हो रहा है जिन्हें बनाने में खुद अमेरिका मात खा चुका है। और ऐसे ही चलता रहा तो साल दो साल में वो खबर भी आ जाएगी कि भविष्य के इन हथियारों के मामले में भारत टॉप पोजीशन पर आ चुका है। दोस्तों, आज राफेल जो महज 4.5 जनरेशन का योद्धा है, जो चीन की पांचवी पीढ़ी के योद्धाओं को भी भगा देता है, अगर भारत सातवीं पीढ़ी का योद्धा उतार दे तो सोचिए दुश्मनों का क्या हल होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी ही बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक। आज हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बदौलत भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। इसकी ताकत और खूबियां जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तेजस या एम का छोड़ो, भविष्य का लड़ाका हो रहा है रेडी। दुनिया की पहली ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेगा भारत जिसका इस्तेमाल आज तक किसी विमान में नहीं हुआ। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया के सभी ताकतवर देश इस समय पांचवी जनरेशन के लड़ाकू विमान को तैयार कर रहे हैं। अमेरिका के पास यह टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। भारत भी पांचवी जनरेशन के लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 को तैयार कर रहा है और जल्द ही यह हिंदुस्तान के आसमान में उड़ता भी दिखाई देगा। दावा किया जा रहा है कि एमका मार्क 2 जो एमका 1 के बाद आएगा, उसमें छठी जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम आपसे ये कहें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सातवीं जनरेशन लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी पर भी काम करना शुरू कर दिया है तो निश्चित तौर पर आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह बात पूरी तरीके से सच है। आज के वीडियो में हम भारत के इसी लड़ाकू विमान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत के DRDO की एक शाखा NDA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले एक टेंडर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हमें ऐसे विंड टनल मॉडल की जरूरत है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट में टेस्टिंग की जाएगी। जिस समय यह खबर निकलकर सामने आई उसी समय से भारत के फ्यूचर फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये बात तो निश्चित थी कि यहाँ पर AMCA फाइटर जेट की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। उसी समय यह दावा किया गया कि भारत एक नए भविष्य के फाइटर जेट फूफा पर भी काम कर स्टार्ट कर चुका है। फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो चलिए भारत के इस सबसे आधुनिक विमान की जबरदस्त खूबियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा यह फाइटर जेट पूरी तरीके से सातवीं जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे किसी भी राडार सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। इस फाइटर जेट में यह ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो इसे पायलट के बिना भी ड्रोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको पायलट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आने वाले समय में ये फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट के लिए पायलट्स की जरूरतों को भी कम कर देगा। जिस तरीके से ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यह फाइटर जेट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दुनिया की पहली यूनिक तकनीक जिसका इस्तेमाल सबसे पहले भारत करेगा। दोस्तों, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब तक दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान में मौजूद ही नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के F-22 रैप्टर में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। रिपोर्ट की माने तो DRDO इस तकनीक को तैयार कर रहा है जिसका इस्तेमाल इस फाइटर जेट में किया जाएगा। दोस्तों, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की ऑटो रिपेयर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अगर एयरक्राफ्ट युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो जाए और उसके किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाए, लड़ाई के दौरान छोटा मोटा डैमेज हो जाए, तो एयरक्राफ्ट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस डैमेज को खुद ही रिपेयर कर लेगा और एयरक्राफ्ट को सैन्य बेस पर वापस लौटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि स्पाइटर जेट मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि उनके स्थान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा।
क्योंकि मिसाइलों के साथ दिक्कत यह आएगी कि किसी भी लड़ाकू विमान में सीमित संख्या में मिसाइलें फिट हो सकती हैं। जैसे ही ये मिसाइल खत्म होती है, लड़ाकू विमान को मिसाइलों को लोड करने के लिए सैन्य बेस पर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन लेजर हथियारों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लेजर हथियार बिजली से चलते हैं, यानी कि लेजर हथियारों के माध्यम से कितने भी बड़े हमले हो सकते हैं और उनके साथ रिलोडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों का पूरा फोकस एमकॉम मार्क 1 को तैयार करने पर है, क्योंकि भारत फाइटर जेट निर्माण में अमेरिका, फ्रांस और चीन से अभी पीछे है, लेकिन भविष्य में भारत इस मामले में अव्वल रह सकता है। यही कारण है कि भारत ने एमकॉम के साथ साथ फूफा फाइटर जेट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत स्वदेशी तरीके से 7वीं फाइटर जेट का निर्माण भी कर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।